हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट टेक में आपका स्वागत है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपको वीवो के नए स्मार्टफोन वीवो V9 के बारे में बताएंगे और इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों, चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने अपना नया स्मार्टफोन V9 थाईलैंड में पहले ही लॉन्च कर दिया है और वीवो के इस नए स्मार्टफोन को 23 मार्च को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। वीवो V9 में 6.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया है और इसके डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो 19:9 का है। इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 626 प्रोसेसर भी दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 4GB रैम दी गई है और अगर स्टोरेज की बात करें तो इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और अगर आप चाहें तो इसे 256GB तक microSD कार्ड के जरिए एक्सपेंड कर सकते हैं। वीवो का ये लेटेस्ट स्मार्टफोन एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पे चलेगा। वीवो V9 को देख के आप कह सकते हैं कि इसको एप्पल आईफोन 10 जैसा डिज़ाइन किया गया है, आगे से भी और पीछे से भी, बट पीछे की तरफ इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। अब बात करते हैं वीवो V9 के कैमरे की। फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें 24 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो F2.0 अपर्चर के साथ आता है और फ्रंट कैमरा फेस अनलॉक और फेस ब्यूटी मोड जैसे फीचर्स के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि इन फीचर्स के बेहतर आउटपुट के लिए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज किया गया है। और इसमें रियर कैमरे की बात करें तो पीछे की तरफ इसमें 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है और 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिया हुआ है और रियर कैमरे का अपर्चर भी F2.0 ही है। इस डुअल कैमरा सेटअप से यूजर बहुत ही अच्छे बोके इफेक्ट इमेजेस ले पाएंगे। वीवो V9 3260mAh की बैटरी के साथ आता है और इसे थाईलैंड में दो कलर वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, एक है गोल्ड और एक है ब्लैक सिरेमिक। और इसमें पीछे की तरफ एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है जो कि काफ़ी फास्ट है। तो दोस्तों, ये थे कुछ स्पेसिफिकेशंस वीवो V9 के बारे में। और ऐसे टेक न्यूज़ और रिव्यूज़ जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे। जय हिंद।